आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो जब साक्ष्य नहीं है हमारे साधु संतों पे जबरदस्ती कोई आरोप लगा के और उन्हें जेल में डाला गया है, आज तक का रिकॉर्ड है किसी साधु संतों ने किया ही नहीं है समाज में। जैसे पहले के समय में विषकन्याएं तैयार की जाती थी, आज के समय में वही प्रोपोगंडा हुआ है। कहीं से भी साबित हो ही नहीं पाया, अगर होता तो साबित तो होता। हिंदू सोया था पर सोया है ये नहीं कहा जा सकता, आज हिंदू जग रहा है। आज सोशल मीडिया का ऑप्शन ऐसा है कि एक से दो साल में वो भीड़ लाखों की आ जाएगी आशाराम बापू जी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो मामले हमारे सामने चल रहे हैं, फिर वो चाहे वो राम रहीम को लेकर के हो, आशाराम बापू को लेकर के हो, तमाम चीज़ें जिस तरीके से हमारे सामने आई, आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर संतों की रिहाई की मांग चल रही है और मांग चल रही है कि लगातार जो संत हैं उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो मुकदमे लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, केवल फंसाने की साजिश की गई है। उसको लेकर के आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से राम रहीम और आशाराम बापू का जो है यहाँ पर लोग बैनर लेकर के खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इनको जो है रिहाई होनी चाहिए। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से लगातार आशाराम और राम रहीम की रिहाई के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं, वाकई जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या दरकिनार करने लायक है? आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, और जब किसी पे आरोप लगता है तो साक्ष्य की ज़रूरत होती है। पर आप यकीन माने 2013 तक में कोई साक्ष्य था ही नहीं कि मिले। तो जब साक्ष्य नहीं है हमारे साधु संतों पे जबरदस्ती कोई आरोप लगा के और उन्हें जेल में डाला गया है, साक्ष्य नहीं तो सजा किस बात की। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार वो सजा भी काट रहे हैं, और हाल ही में अभी एक राम, अगर आशाराम बापू की बात की जाए तो उनको एक सजा पे भी छूट मिला है उसमें। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को ख़त्म करने का आज़ादी के समय से ये प्रोपोगंडा चल रहा है। आप सभी को पता है कि पहले मैकॉले ने सारे साधु संतों को अंदर किया था आश्रम व्यवस्था को हटाने के लिए। जिस तेज़ी रफ्तार से और हिंदुओं को क्रिश्चियंस में और उन्हें धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिस समय आशाराम बापू जी ने आवाज़ उठाई, उसके बाद उनके प्रति प्रोपोगंडा शुरू हो गया। अगर बात की जाए तो दोनों लोगों पर जो है आरोप लगे हैं, और अगर राम रहीम की बात की जाए तो जिन्होंने उनको अपनी बेटी समझा उनके ऊपर इस तरीके के लगे, और पैरोल में अभी हाल ही में जिस तरीके से वो बाहर आए, आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आप एक सनातनी भी हैं और एक महिला भी हैं। आज तक का रिकॉर्ड है किसी साधु संतों ने किया ही नहीं है समाज में, इसका एक भी साक्ष्य समाज में आज तक नहीं मिला है। लेकिन इतना ज़रूर है उन्हें फंसाने के लिए, जैसे पहले के समय में विषकन्याएं तैयार की जाती थी, आज के समय में वही प्रोपोगंडा हुआ है। कहीं से भी साबित हो ही नहीं पाया, अगर होता तो साबित तो होता। उस बच्ची का भी जितना भी हुआ है सर्वे, मेडिकल टेस्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। जब साबित ही नहीं हुआ है और आप किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, कहने का तात्पर्य संतों की छवि को ख़राब करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, मुझे पूरी तरह विश्वास है। अगर आप सभी को यकीन ना हो तो द ट्रू स्टोरी ऑफ आशाराम बापू जी, जो वहाँ के DSP ने लिखा है ये किताब, आप उसे पढ़ें तो उसमें आपको उस समय के हिसाब से पता चलेगा। सर, आपका ये जो अभियान है, क्या लगता है इससे क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आएगा, और वाकई क्या इन संतों की रिहाई फिर से? आपका जो ये लगातार जो अभियान चल रहा है, आज सिग्नेचर अभियान, जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान आपने चलाया है, ये अभियान कितना कारगर साबित होगा? हिंदू सोया था पर सोया है ये नहीं कहा जा सकता, आज हिंदू जग रहा है। आज सोशल मीडिया का ऑप्शन ऐसा है कि एक से दो साल में वो भीड़ लाखों की आ जाएगी आशाराम बापू जी की। तो जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत किया है वो आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे तमाम सनातनी जुड़े थे और उन्होंने ये कहा है कि जो लगातार बेबुनियादी उन पर आरोप लगे हैं वो सब निराधार हैं, और इसको लेकर के यहाँ पर सब एकत्रित हुए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।